एक गांव में जोगाराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो एक चोर था। वो चोरी से घरों में घुसकर फोन, घड़ी, टीवी, मिक्सी, आयरन बॉक्स जैसी वस्तुओं को चोरी करता रहता था। बाद में पड़ोसी गांव में मार्केट में जमीन पर चादर बिछाकर उसमें सारा सामान रखकर आइए सब आइए आइए मैडम आइए, धमाका सेल, पाइनएप्पल फोन दुकान पर खरीदे तो 45,000 रुपए, यहाँ आपको 5,000 में मिलेगा, रस्ते का माल सस्ते में, आइए सर आइए, कहकर बेचता था। एक बार उसे एक आइडिया आया, मैं अगर यहाँ पर बैठकर बेचता रहा तो इसमें मुझे लाभ कैसे होगा? आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का बड़ा जोर शोर है, मैं भी इन वस्तुओं को ऑनलाइन में बेचूं तो ठीक रहेगा, तब सेल्स दुगना हो जाएगा, ऐसा उसने सोचा। बाद में अखबारों में एक विज्ञापन दिया, गांव में पोस्टर भी चिपकाए, उस पर लिखा था अनबिलीवेबल प्राइजेस, धमाका ऑनलाइन सेल, पाइनएप्पल फोन फॉर 4,000 ओनली, आशा आयरन बॉक्स 1,500 ओनली, सामी टीवी 40 इंचेस 5,000 रुपीज ओनली एंड मेनी मोर, विजिट www.churalia420@coldmail.com। इससे उसे बहुत सारे ऑर्डर्स आने लगे। ऑर्डर किए गए वस्तुओं को अच्छी तरह से पैक करके वो खुद एक ऑटो में ले जाकर घर घर पर डिलीवरी करने लगा, उनसे पैसे लेने लगा। यूं दिन में ऑर्डर्स लेकर डिलीवरी करता था और रात को चोरी करके डबल शिफ्ट काम करने लगा। उस गांव में नंदन नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसके पिताजी नया टीवी लेकर आए। उस घर के बाहर से ही देखकर जोगाराम, वाह नया टीवी खरीदा है, सुपर, इस गांव के लोग कितने अच्छे हैं, भगवान ये यूं ही हर रोज नए नए सामान खरीदे, ऐसा इन्हें आशीर्वाद दे। घर पर नंदन, नया टीवी आया है डैडी, डैडी डैडी प्लीज, मैं उस पर कुछ स्टिकर्स चिपकाना चाहता हूँ। ठीक है, पर ज्यादा देर टीवी देखकर पढ़ना मत भूल जाना, समझे? यूं नंदन ने टीवी पर अपने पसंद के स्टिकर्स चिपकाया। उस दिन सबने मजे से टीवी देखा, बाद में सब सो गए। उस रात को जोगाराम उनके घर में छुप कर आया, टीवी चुराया और भाग गया। अगले दिन उठकर सब घर वालों ने टीवी को वहां नहीं पाया तो परेशान हो गए। पड़ोस में रहने वाले नंदन के फ्रेंड गौतमी को जब ये पता चला तो वो, दुखी ना हो नंदन, हमने कल ही ऑनलाइन पर एक नया टीवी ऑर्डर किया है, कल डिलीवरी हो जाएगा, जितना देर चाहो तुम हमारे घर आकर टीवी देख सकते हो, ठीक है, ऐसा उसने कहा। अगले दिन जब घर के बाहर नंदन और गौतमी खेल रहे थे तो जोगाराम उनके घर पर आकर टीवी डिलीवरी करके चला गया। नंदन जब टीवी देख रहा था तो टीवी पर उसे स्टिकर्स नजर आए तो वो समझ गया कि ये टीवी उन्हीं का है। उसने तुरंत गौतमी को सब कुछ बताया। सच्ची तो है, नए टीवी पर स्टिकर्स कैसे, तुम सही कह रहे हो, अब क्या करें? एक बार जब वो कहीं जा रहे थे तो जोगाराम उनके सामने आया। बाद में दोनों ने जोगाराम का पीछा किया। वो दुकान पर जाकर, आओ सर आओ मैडम आइए, धमाका सेल, पाइनएप्पल फोन दुकान पर खरीदेंगे तो 45,000 रुपए, यहाँ केवल 5,000 रुपए, आइए सर आइए, बढ़िया ऑफर है, सब कम दाम पर ही आपको मिलेगा, कहकर बेच रहा था। उसे यूं बेचते हुए देखकर नंदन को एक तरकीब सूझी। अगले दिन एक बॉक्स के साथ पुलिस स्टेशन के पास आया जोगाराम। एड्रेस देखकर जोगाराम, ये क्या, इस पर एड्रेस तो पुलिस स्टेशन का है और किसी का भी हो, हमें क्या, डिलीवरी देकर पैसे ले लेंगे बस, यूं सोचकर वो अंदर गया। अंदर एसआई से, सर एसआई भरत ठाकुर आप ही है ना सर, ये लीजिए आपका ऑर्डर किया हुआ फोन, 6,000 रुपए हैं, पैसे दीजिए। आइटम तो बढ़िया है, वैसे इन सारी वस्तुओं को पहचानते हो, जानते हो ये कौन है? जोगाराम ने देखा तो वहाँ उसके दुकान का सारा माल था, वहीं जिनकी वो वस्तुएं थी वे लोग भी थे। अरे ये क्या है सर, मेरे दुकान का सारा माल आप यहाँ ले आए, मैं नहीं जानता कि ये लोग कौन हैं। आओ भाई आओ,
धमाका सेल, घरों में चुराया हुआ माल सस्ते में मिलेगा। आओ भाई आओ, आइए मैडम आइए। क्यों, यही तुम्हारा धंधा है ना? ये बस ना हुआ तो ऑनलाइन सेल्स भी करने लगे। तुमने पूछा ना कि ये कौन है, अब तुम्हें पता चलेगा। क्यों भाई, साहब से परिचय नहीं करेंगे आप? तब उससे एक स्त्री, क्यों रे मेरे घर से रेडियो चुराते हो? हमारे घर से फैन चुराया, कहकर सब ने उसे खूब मारा। इस तरह वो जेल गया। इसका नाम योगा है, वो बहुत बदमाश लड़का है। एक दिन स्कूल में दो बच्चे राम रघु पतंग उड़ाते हुए खेल रहे थे। ए, मेरी पतंग देखा, कितने अच्छे से उड़ रही है, देखो देखो, कहा। मेरी पतंग भी अच्छे से उड़ रही है, देखना कल हमारे गांव में रखी काइट्स कंपटीशन में मैं ही फर्स्ट प्लेस से जीतूंगा। ये बातें सुनकर योगा, क्या फर्स्ट प्राइज जीतोगे, अब देखो, कहकर पीछे से आया और पतंग के धागे को काट दिया। अब देखा तुम्हारी ये पतंग कितने अच्छे से उड़ रही है। अच्छे से सुनो, आने वाले काइट्स कंपटीशन में मैं ही फर्स्ट प्लेस जीतूंगा, ये मैंने अपने डैडी से प्रॉमिस किया है। तुम लोग चाहो तो सेकेंड प्राइज थर्ड प्राइज जीत लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फर्स्ट प्राइज मुझे ही मिलना चाहिए, समझे, कहकर वहाँ से चला गया। देखो कितना घमंड है उसे, सिर्फ उसे ही फर्स्ट प्राइज मिलना कह रहा है। हाँ भाई मैंने भी सुना, ठीक है उसकी परेशानी का हल बाद में ढूंढते हैं, पता नहीं हमारी पतंग कहाँ गिर गई, पहले उसे ढूंढते हैं, कहकर दोनों अपनी पतंग को ढूंढने लगे। जितना भी ढूंढने पर ना मिलने से राम, अरे अब ये पतंग नहीं मिली तो मेरे डैडी मुझे मारेंगे, अब क्या करें। हाँ भाई मेरे घर पर भी मुझे मारेंगे, अब क्या करें, कहा और दोनों रोने लगे। तभी वहाँ एक आदमी, हाँ पतंग भाई पतंग, रंग बिरंगे पतंग भाइयों, कहकर साइकिल पर चिल्लाते हुए आ रहा था। पतंग वाला दोनों बच्चे को रोते देख, क्या हुआ बच्चों, क्यों रो रहे हो? क्योंकि हमारी पतंग खो गई है, अगर घर गए तो हमारे पिताजी हमें मारेंगे। हाँ मेरे पिताजी भी डांटेंगे। ठीक है अब रो मत, मैं तुम दोनों को नई पतंग दे दूंगा, लेकिन पहले मुझे बताओ कि तुम्हारी पतंग गायब हुए कैसे। रघुराम ने उसे सब बताया। अरे बेचारे, मतलब अगर मैं नई पतंग भी दूं तो फिर वो योगा आकर पतंग को फाड़ देगा ना, फिर तब भी तुम दोनों बिना कुछ किए रोते बैठोगे, कहा। हाँ तो क्या करे, वो बहुत शक्तिशाली है। चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, बुद्धि की शक्ति हो तो तुम उसे हरा सकते हो, अच्छे से सोचो। राम रघु अच्छे से सोचकर, दादाजी हमें पतंग कैसे बनाना है सिखाओगे? ठीक है, कहकर पतंग कैसे बनाना है सिखाकर चला गया। फिर रघुराम दोनों अपने लिए पतंग बना लिए। अम्मा अब हमारे घर पर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उस योगा को सबक सिखाना ही होगा। हाँ यार, उसे सबक सिखाने के लिए मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, कल हमारे घर से सारे पेपर्स लाकर एक बड़ी वाली पतंग बनाएंगे, कहा। अगले दिन रघुराम दोनों अपने घर से सारे पेपर्स लाकर बहुत मेहनत से एक बहुत बड़ा जायंट पतंग बनाए। उस पतंग को एक पेड़ से बांधकर रघु, सुन जब शाम को योगा इस तरफ आएगा, ऐसे कुछ उसके कान में कहा। उस शाम हमेशा की तरह योगा को उस तरफ आते देख रघु जोर से, अरे राम पता है मेरे पापा कल कंपटीशन के लिए एक बड़ी सी पतंग बनाए, उस पतंग को लेकर कोई भी भाग लेगा तो उसे जरूर फर्स्ट प्राइज ही मिलेगा, कहा। ये बातें सुनकर योगा, क्या फर्स्ट प्राइज, तो फिर वो पतंग मुझे ही चाहिए, बताओ कहाँ है, पूछा। नहीं होगा वो मेरी है। चुपचाप दो, काइट्स कंपटीशन में मुझे ही फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए। अरे रघु इसे बिल्कुल मत बताना कि वो पतंग पेड़ के पास है। योगा फिर पेड़ के पास बांधी पतंग को देखकर, वाव इतनी बड़ी काइट, इसे तो जरूर फर्स्ट प्राइज ही मिलेगा, कहकर जब उस पतंग की ओर जाने लगा
तभी ट्रिंग 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 करते हुए पतंग वाला वहां आया। वो पतंग वाला उतनी बड़ी पतंग देखकर चकित रह गया। उस पतंग को जब योगा निकालने की कोशिश कर रहा था तो पतंग वाला, बेटा वो तो बहुत बड़ी पतंग है, उसके साथ खेलना खतरनाक हो सकता है। शायद आपको मेरे बारे में नहीं पता, मैं कल हो रहे काइट्स कॉम्पिटिशन में यही लेकर भाग लूंगा, कहकर उस पतंग को पकड़ कर उसकी गांठ खोल दिया। बस वो पतंग योगा को एकदम से हवा में ले गया। अरे कोई आकर बचाइए, मुझे बचाइए, चिल्ला रहा था। फर्स्ट प्राइज की जिद कर रहे थे ना, ट्राई करो पुकार रहा था। प्लीज मुझे उतारो, फर्स्ट प्राइज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, प्लीज मुझे नीचे उतारो, चिल्ला रहा था। फिर कभी हमारा पतंग को काटोगे? सॉरी मैं फिर कभी नहीं काटूंगा, मुझे नीचे उतारो प्लीज, कहा। राम तब कटरपुला लाकर उस पतंग पर एक छेद किया, इससे योगा धीरे से नीचे आया। बहुत खूब बच्चे, बहुत खूब, देखा जरा सी सोच से कैसे अपनी समस्या का हल निकाले, कहा। अगले दिन काइट्स कॉम्पिटिशन में रघु राम दोनों बहुत अच्छे से खेले, फिर फर्स्ट और सेकंड प्राइज जीते।